Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. Assalamu alaikum students. आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहली दफा आप नाम सुनोगे वेक्टर्स, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं इसका, कि है क्या। हमने अभी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, ये चैप्टर 5 पे आने का मकसद ही यही है, क्योंकि वेक्टर्स से रिलेटेड आगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मुख्तलिफ चैप्टर्स में। तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स क्लियर करने के वेक्टर हैं क्या, ठीक है, ताकि हम जब आप मजीद चैप्टर्स करें तो वहां पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो कि वेक्टर्स क्या चीजें हैं, वहां पे वेक्टर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, ठीक। इसीलिए चैप्टर 5 पे जंप करने की वजह ये। तो क्वांटिटीज के, क्वांटिटीज हमने पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो किस में आ जाती है, वो क्वांटिटीज में आ जाती है। तो क्या हो गया, एवरी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दीज आर टू बी मेजर टू स्पेसिफाई देम। उनको मेजर करना पड़ता है स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई ब्रिक है, ठीक है, आपके पास ब्रिक हो गया, अब आप इसकी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किस तरह से बताएंगे आपके, इसकी ये लेंथ क्या है, ठीक है, इसकी ब्रेथ क्या है, इसकी हाइट क्या है, ठीक है, इसका मास क्या है। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, जो कि आपके पास क्या होंगी, इसकी क्वांटिटीज होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। तो अब आपके पास, अब हम देख लेते हैं क्वांटिटीज कौन कौन सी हमने पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ी है लेंथ, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ या डिस्टेंस, मास, टाइम, वेट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखिए फिजिकल या ड्राइव क्वांटिटी है। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी, इसमें फिजिकल क्वांटिटी लिखी है, ठीक। अच्छा, इन क्वांटिटीज को मजीद दो उसमें डिवाइड किया जाता है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है जिसमें आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया जाता है और उसके एक सूटेबल यूनिट के साथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हाँ भाई 5 kg राइस, ठीक है, तो इसमें 5 क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये केजी क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगा। तो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक सूटेबल यूनिट होता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे आपके पास हो गया मास, ठीक है, आप स्केलर क्वांटिटी है, आप मास बता दें, मास क्या बता दें, आपने बोल दिया 10 kg, तो आपको उसमें डायरेक्शन तो बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके पास ये 10 kg आ गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब अगर आपके पास आ गया मास के बाद आ गया डिस्टेंस, आपने बता दिया 5 किलोमीटर, मतलब किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपने बता दिया स्पीड, स्पीड जो बॉयज हैं उनको तो पता ही होगा, बाइक चलाते हैं, बाइकर्स हैं, कार चलाते हैं, उनको पता होगा स्पीड क्या चीज है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम, ठीक है। तो आपके पास जैसे आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसमें आपको किसी में भी डायरेक्शन बतानी जरूरत नहीं, आपने सिर्फ एक बताया, उसका मैग्नीट्यूड बताया, उसका यूनिट बताया, समझ में आ गया 10 kg का मतलब, इसका जो वे, इसका जो वजन है, इसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है, ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, किस जगह है, कहां से कहां जा रही है, ये नहीं बताना, इसमें खाली डिस्टेंस बताया। स्पीड में भी ये कहा कि स्पीड, इस स्पीड से चल रही है गाड़ी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहां से कहां जा रही है, डायरेक्शन क्या है, इसकी जरूरत नहीं। ये आपके पास क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक सूटेबल यूनिट लिख दिया जाता है, तो आपको पता जाता है कि वो मुकम्मल हो जाती है उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी।
और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना होता है, ठीक है, यूनिट भी लिखना होता है, उसकी डायरेक्शन भी लिखनी होती है। याद रखिएगा वेक्टर में क्या है आपके पास, डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है तो जाके वो वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ठीक है, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन स्केलर क्वांटिटी और डायरेक्शन रिक्वायर्ड इन वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। अब आपके पास है वेट, वेट की आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आपने बता दिया 10 न्यूटन। अब आप कहेंगे कि मैंने तो आपको बताया नहीं कि वेट जो आपने लिखा है 10 न्यूटन से डायरेक्शन क्या है, तो वेट क्या है, वेट टुवर्ड्स द अर्थ होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ की तरफ डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो इसलिए वेट आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, जिस जगह पे आप खड़े हैं, ठीक है, जमीन पे ही है ना, जमीन पे मौजूद है आप, तो आपका जो वेट की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगा, डाउन द अर्थ होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास डायरेक्शन दी हुई थी टुवर्ड्स द अर्थ, तो आपके पास वेट क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप ले लें डिस्टेंस की जगह पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है, मैं भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बताऊंगा, हालांकि अभी आपको एक ही लगेगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने बता दिया 5 किलोमीटर, हाली अगर मैं 5 किलोमीटर लिख दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन बता दी है, ठीक है, कि मैं कहां जा रहा हूं, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, आपके पास इस तरह से डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अब आपके पास आपको बता दिया कि हाँ भाई मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या आ जाता है, स्पीड है, अब वहां पे स्पीड है तो यहां पे वेलोसिटी हो जाती है, वेलोसिटी क्या है, मैंने बता दिया 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड और ये वेलोसिटी सेम, लेकिन अगर मैंने कह दिया टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों, देखें क्या डिफरेंसेस है, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हैं स्केलर क्वांटिटीज की और वेक्टर क्वांटिटीज की, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, वरना तो इससे ज्यादा जो है वो आपके पास क्वांटिटीज मौजूद हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज होती है, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए सिर्फ ये 3 चीजें बताई हैं, ताकि आपके पास ये चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, आपने डायरेक्शन बता दी, तो ये आपके पास वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के दरमियान डिफरेंस आपको ये समझ में आ गया होगा। स्केलर क्या है, जिसमें आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, आप एक सूटेबल नंबर यानी मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और उसका यूनिट लिख देते हैं, उसकी स्टोरी कंप्लीट, उसकी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, आपको उसकी मैग्नीट्यूड लिखना होता है, उसका यूनिट और उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखनी होती है, तो जाके वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो स्केलर क्वांटिटी में आपके पास डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि वेक्टर में आपको डायरेक्शन बतानी होती है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। सुनिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, इस लेक्चर में, तो आप आज से जो है वो आगे देख सकते, पूछ सकते हैं कुछ भी 5 बजे से, ठीक है, आपको कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या फिजिक्स से रिलेटेड हो। थैंक यू वेरी मच।